हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम एसी डेंट बेस्ट चैप्टर का सेकंड नोट्स देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और भी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जो है वो मिल जाएगा, तो चेक जरूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आखिर ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड और बेस के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो प्रस्तुत किया गया है। अम्ल और क्षार क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इसे बताने के लिए ब्रॉन्स्टेन और लॉरी ने सन 1923 में यह कॉन्सेप्ट को जो है वो प्रस्तुत किया हुआ है। इससे पहले मैंने आप लोगों को आर्हेनियस की धारणा बताया हुआ था। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइम पे अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो प्रस्तुत किया हुआ है। उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया है कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, मतलब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि ब्रॉन्स्टेन और लॉरी ने कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रस्तुत किया है। सन 1923 में ब्रॉन्स्टेन तथा लॉरी ने अम्ल तथा क्षारकों के लिए अधिक विस्तृत परिभाषा प्रस्तावित किया। इसके अनुसार देखिए, अभी तक 1923 से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉन्स्टेन और लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी विस्तृत है। कहने का मतलब है कि उन्होंने सारी चीजों को जो है वो ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट को जो है वो बनाया हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि ये काफी लेटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पहले हम जो है वो एसिड के बारे में देखेंगे। एसिड का मैं पहले आप लोगों को एग्जांपल बता दूंगी, उसके बाद जो है वो हम लोग बेस के बारे में देखेंगे। तो पहले हम एसिड के बारे में देखते हैं। क्या कहा था ब्रॉन्स्टेन और लॉरी ने, वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। मतलब अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी को प्रोटॉन दे सकते हैं, मतलब एक प्रकार के डोनर होते हैं। H+ जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं वो किसी अन्य पदार्थ को ये डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो जो है वो आपका अम्ल या एसिड कहलाता है। इसे प्रोटॉन दाता भी कहते हैं या फिर डोनर भी कहते हैं। डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य पदार्थ को जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं HCl। तो जैसा कि हम जानते हैं HCl जो है वो H+ और Cl- में जो है वो आयनित होते हैं, मीन्स अपने आयनों में जो है वो ये विभक्त होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो H+ प्रोटॉन, तो H+ यहाँ पे इनका H+ बना है और ये H+ को किसी अन्य पदार्थ को जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो आपका HCl है, मतलब जो एक प्रकार का एसिड है, वो एक डोनर होते हैं, मतलब प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो अगर जो पदार्थ प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं वो आपका एसिड कहलाएगा। ब्रॉन्स्टेन और लॉरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वे पदार्थ एसिड कहलाते हैं या वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, मतलब किसी को दे सकते हैं। ये तो हम लोगों ने HCl का मॉलिकुलर देखा था, मतलब मॉलिकुलर मतलब होता है आणविक। उसके अलावा अगर हम केटायनिक देखें, मतलब केटायनिक मतलब यहाँ पे देखिये पॉजिटिव चार्ज है Al(H2O)6+, ये भी अगर हम देखें ये भी आयनित हो रहे हैं और यहाँ पे H+ जो है वो ये दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका केटायनिक है वो भी H+ जो है वो डोनेट कर सकते हैं, मतलब ये भी प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो आपका एसिड कहलाएगा। तीन तीन एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगी। देन हम एनायनिक का बताते हैं HCO3-, यहाँ से एक आपका H जो है वो निकल जाता है, H प्रोटॉन के रूप में यहाँ से निकल जाता है और बाकी आपका ये बच जाता है CO3-, तो ये एक प्रकार का एनायनिक है। तो यहाँ पे मैंने एसिड का तीन एग्जांपल दिया है। तीन एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आप एक एक को अच्छे से समझ सको कि कैसे ये H+ को जो है वो डोनेट कर सकते हैं अन्य पदार्थ को। तो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, एसिड क्या होता है। इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। क्लियर हुआ। अब चलिए हम देखते हैं बेस क्या कहलाते हैं। ब्रॉन्स्टेन और लॉरी के अकॉर्डिंग वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए वहां पे एसिड में क्या हो रहा था, वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे थे, मींस दे रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे, मींस एक्सेप्ट करेंगे। तो जो एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, मतलब ये एक्सेप्टर होते हैं, वो जो है वो बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं C5H5N। अब यहाँ पे देखिए ये H+ को जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, मतलब इसके साथ जब हम H+ को ऐड कर रहे हैं, मतलब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। C5H5NH
पॉजिटिव, ये जो है वो मॉलिकुलर है। देन हम केटाइनिक और एनायनिक का भी इसी प्रकार से एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सारे एच प्लस को जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, मतलब ये जो है वो एक्सेप्टर है यहाँ पे, तो ये आपका जो है वो क्षार कहलाएगा। तो क्लियर हुआ, दोनों काफी इजी है। जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो आपका एसिड होगा, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, वो जो है वो आपका बेस होगा। तो क्लियर हुआ आपको दोनों। तो चलिए इसके आगे का हम और देख लेते हैं, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी ने और कौन कौन सा अपने कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो बताया हुआ है। एसिड और बेस के बारे में तो उन्होंने बताया ही था, साथ में संयुग्मित अम्ल क्षारक युग्म के बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है, आप एक्सप्लेन कीजिए। कभी कभी आपको इस कॉन्सेप्ट के बीच का पॉइंट जो है वो पूछ सकते हैं, जैसे कई बार पूछे गए हैं कि संयुग्मित अम्ल क्षारक युग्म से आप क्या समझते हो, 1 या 2 मार्क्स के लिए ही आते हैं, वेरी इजी टॉपिक है। चलिए देखते हैं, परिभाषा से स्पष्ट है कि जब कोई अम्ल प्रोटॉन देता है, मैंने जो पहले वाला आप लोगों को बताया था उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जब कोई अम्ल प्रोटॉन देता है तो उसके शेष भाग में प्रोटॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल छोटा सा हम लिए हैं HCl। अब ये HCl क्या कर रहा है, H+ और Cl- में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये H+ प्रोटॉन को जो है वो डोनेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जब कोई अम्ल अपने प्रोटॉन को देते हैं तो उसके शेष भाग मतलब क्या हुआ, Cl- में प्रोटॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अब Cl- जो है वो H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर H+ एक्सेप्ट करने की इनमें जो है वो प्रवृत्ति आ जाती है, अतः वह अवशेष जो है वो क्षारक की भांति व्यवहार करने लगता है। अब ये जो अवशेष बचा है वो एक प्रकार के बेस के भांति बिहेवियर इनका स्टार्ट हो जाता है, तथा प्रोटॉन ग्रहण करके अम्ल बनाता है। अब यहाँ पे अगर हम H+ ऐड कर दे, अगर इस Cl- में हम फिर से H+ प्रोटॉन ऐड कर दे, तो ये फिर से एसिड बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, परिभाषा से स्पष्ट है कि जब कोई अम्ल प्रोटॉन को देता है, जैसे कि यहाँ पे HCl प्रोटॉन को दे रहा है, तो उसके शेष भाग में प्रोटॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति यहाँ Cl- में उत्पन्न हो रही है। यह अवशेष क्षारक ये जो है वो आपका बेस कहलाता है, बेस की भांति व्यवहार करने लगता है, और अगर हम इसमें कोई प्रोटॉन मिला दे, प्रोटॉन ग्रहण करके फिर से ये एसिड बना लेगा। अगर हम इसमें H+ मिला दे तो फिर से HCl बन जाएगा, यही चीज कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, प्रत्येक अम्ल के प्रोटॉन त्यागने से जो क्षारक बनता है वह उस अम्ल का संयुग्मी क्षारक कंजुगेट बेस कहलाता है। अब इसी चीज को देखें, प्रत्येक अम्ल के प्रोटॉन त्यागने से, ये जो अम्ल है अब ये प्रोटॉन त्याग रहा है, तो जो क्षारक बनता है मतलब ये जो आपका बेस बना हुआ है वह उस अम्ल का मतलब इस HCl का संयुग्मी क्षारक कहलाएगा, मतलब ये जो है आपका कंजुगेट बेस कहलाएगा, तथा अम्ल उसका संयुग्मी अम्ल कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। अब ये जो HCl है वो आपका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। क्लियर हुआ क्या कहा जा रहा है, फिर से देखिए, प्रत्येक अम्ल के प्रोटॉन त्यागने पर, इसी एग्जांपल को समझिए, प्रत्येक अम्ल के प्रोटॉन त्यागने पर क्षारक बनता है और उस अम्ल का संयुग्मी क्षारक कहलाता है, कंजुगेट बेस कहलाता है, तथा अम्ल उसका संयुग्मी अम्ल या कंजुगेट एसिड कहलाता है। क्लियर हुआ, अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे HCl है, एसिड है, और यहाँ पे हम लोगों ने H2O लिया हुआ है, बेस लिया हुआ है, दोनों को मिला दीजिए। अब क्या करेंगे, क्योंकि HCl जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन को जो है वो ये H2O को डोनेट कर देंगे, तो H+ यहाँ पे जो है वो डोनेट करेंगे, HCO बन जाएगा, H3O+, और यहाँ पे Cl-, तो Cl- क्या हुआ, जैसे कि मैं पहले बता चुकी, कंजुगेट बेस हुआ, ये आपका क्या हुआ, कंजुगेट एसिड हुआ, कंजुगेट मतलब संयुग्मित, ये तो आपका एसिड है, ये तो आपका बेस है। अब ये H2 और H3O को हम एक साथ संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहते हैं, यही है आपका कंजुगेट एसिड बेस युग्म पेयर, जो भी है ये संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म है, जिसे हम कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो इसी चीज को पूछा गया था कि संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म क्या है, तो क्लियर हुआ आप लोगों को, काफी इजी है। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर से रिवर्स करके आप देख लीजिएगा, काफी इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल प्रोटॉन को देने और लेने का ही यहाँ पे काम हो रहा है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि ये जो ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट है उसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम जो है वो प्रोटॉन स्थानांतरण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आता है
कि प्रोटॉन स्थानांतरण सिद्धांत से आप क्या समझते हो, तो आपको ब्रॉनस्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट ही लिखना है, या फिर जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी भी, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी, क्योंकि ये पूरे कॉन्सेप्ट में प्रोटॉनों का आदान प्रदान या उनका स्थानांतरण सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए इसे प्रोटॉन स्थानांतरण सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए और भी कुछ कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक और टर्म यूज हुआ है, उभय प्रोटोनिक पदार्थ है, जिसे हम कहते हैं एम्फी प्रोटोनिक सब्सटेंस। अब ये क्या होता है? जल प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है। देखिए H2O वाटर जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन दे भी सकता है, मतलब प्रोटॉन को वो डोनेट भी कर सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। अर्थात यह एसिड एंड बेस दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब जो वाटर होता है उसमें एसिड की भी क्वालिटी होती है और उसमें बेस की भी क्वालिटी होती है, इसलिए H2O को उभय प्रोटिक विलायक कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि क्या होता है उभय प्रोटोनिक पदार्थ, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका वाटर है। पानी इसलिए है क्योंकि ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और क्षार की तरह भी व्यवहार करता है। ये प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है और प्रोटॉन डोनर भी है, तो दोनों है ये, इसलिए इसे हम जो है वो उभय प्रोटोनिक पदार्थ कहते हैं। देखिए H2O H+ ले भी सकता है और यहाँ पे अगर हम H2 को मिलाते हैं तो ये OH- भी देते हैं, मतलब एक प्रकार के बेस की तरह भी ये व्यवहार करते हैं। क्लियर हुआ? अब लास्ट, अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्रॉनस्टेन लॉरी धारणा का महत्व, क्या इस कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस है और दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे ये अलग है, ये चीज हम देखेंगे। यह सिद्धांत आर्हिनियस धारणा से अधिक विस्तृत है। मैंने आपको इसके पहले नोट्स में आर्हिनियस कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उस सिद्धांत की अपेक्षा काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब जो आर्हिनियस ने कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अम्ल को प्रोटॉन देने के आधार पर परिभाषित किया गया है, हाइड्रोजन आयन देने के आधार पर नहीं। अब आर्हिनियस के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, H+ आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन ये सब की यहाँ पे बात ही नहीं हुई। यहाँ पे प्रोटॉन दिया कैसे जा रहा है, प्रोटॉन लिया कैसे जा रहा है, ये सब चीज पे जो है वो यहाँ पे बात हो रहा है, तो ये आर्हिनियस के कॉन्सेप्ट से कहीं ज्यादा अच्छा है, विस्तृत है। यह धारणा जल के अतिरिक्त अन्य प्रोटोनी विलायकों जैसे द्रव अमोनिया HCN आदि के लिए उपयुक्त है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले वाला हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें हम लोग क्या करते थे, एसिड को वाटर में मिलाते थे, मतलब जली विलयन में मिलाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे हम उसे अमोनिया में मिला सकते हैं, HCN में मिला सकते हैं, आदि के लिए उपयुक्त है। ऐसा नहीं है कि जल में ही हमको विलय करेंगे तभी ये H+ आयन देगा, ऐसा कोई बात नहीं है, तो इस चीज के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा है। अब लास्ट में हम जो है वो इसका लिमिटेशन देख लेते हैं। देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट, हर साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो सारे कॉन्सेप्ट में पाई गई है, तो इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ कमियां हैं, सीमाएं हैं। तो देखिए पहला क्या है, यह धारणा प्रोटॉन के आदान प्रदान पर अत्यधिक बल देती है, जबकि एसिड बेस प्रकृति वाली अभिक्रियाएं ज्ञात है जिनमें प्रोटॉन का कोई सहयोग नहीं होता है। अब जैसा कि आपको पता है, आप पढ़ ही चुके हो कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोटॉन के आदान प्रदान पर ही डिपेंड है, लेकिन हमारे पास ऐसा एसिड भी है, ऐसा बेस भी है जिसमें प्रोटॉन का कोई रोल ही नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो उन चीजों को अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। सेकंड चीज, एप्रोटिक यौगिक जैसे AlCl3, BF3, ZnCl2 आदि की अम्ल क्षार प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं किया जा सकता है। तो ये दो कमियां हैं जो आपके ब्रॉनस्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट में पाई गई है, तो ये लिमिटेशन भी आप जरूर लिखिएगा। तो क्लियर होता है गाइज आज का ये टॉपिक, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो जरूर कीजिएगा एंड चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।